पिछले वर्ष जिस तरीके से डेंगू और रेशमी बुखार ने यूपी के कुछ जिलों में दस्तक दी थी और एक बार फिर यह दस्तक आहट सुनाई देती है। कहीं ना कहीं तमाम जनपदों में, आगरा हो, फिरोजाबाद हो, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर चारपाई बिछी हुई है और रेशमी बुखार कहें या डेंगू कहें, लगातार इसके पेशेंट निकल रहे हैं। आज भारत 24 के साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि परिचय की मोहताज नहीं है, चिकित्सा क्षेत्र में एक जाना माना नाम। डॉक्टर समीर भाटी जी भारत 24 के साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से, सर किस तरीके से इस डेंगू से बचा जा सकता है, कैसे इसकी रोकथाम करें, कि पिछली बार भी देखा गया था बहुत सारे नौनिहालों को डेंगू ने अफेक्टेड किया था, तो इस बार इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, डेंगू से कैसे बचा जा सकता है और किस तरीके से उपचार करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आमतौर पे हर सीजन में हम देखें जुलाई से लेके और नवंबर तक जो है डेंगू के केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इस बार जैसा हमने देखा था कि मानसून काफ़ी पहले आ गया था और जल भराव भी काफ़ी ज़्यादा जगह पर देखा गया था। डेंगू के केसेस में फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कुछ समय से उछाल है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा कन्फ्यूजन वाली क्या बात हो जाती है कि इस मौसम में, इस सीज़न के अंदर कई तरह के बुखार होते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, इसके बाद मलेरिया, वैसे भी आपका वायरल बुखार, जैसे मौसम में जब बदलाव आता है, जैसे अभी थोड़ा थोड़ा जलवायु में बदलाव है तो उस समय आपके वायरल, कॉमन कोल्ड, ये सब भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या ये डेंगू है या कोई दूसरा अन्य बुखार है, क्योंकि आमतौर पर जैसा देखा गया है और हम भी अक्सर देखते हैं डेंगू के केस में अक्सर लोग लेट पहुंचते हैं। तो यहाँ पर लक्षणों को ठीक तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। और डेंगू के लक्षणों की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा एक जो मेन कॉमन सिम्टम है कि एकदम से इसमें हाई ग्रेड फीवर आता है, तेज़ी से फीवर आता है, जैसे आपको 102, 103 इस तरह का हाई ग्रेड फीवर रहेगा। इसके अलावा सर में दर्द रहेगा और एक इसका मेन क्लासिकल सिम्टम है, जो लक्षण है जो और अन्य बुखार में नहीं होता, वो आँख के पीछे वाले हिस्से में आपको दर्द महसूस होगा। इसके अलावा आपका हड्डियों में और मांसपेशियों के अंदर भी दर्द होगा। और इस बार जब डेंगू के केसेस में देखा गया है कि लोगों को पेट से संबंधित समस्याएं भी हो रही है, वॉमिटिंग, नोजिया, जैसे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होना, उल्टी जैसा लगना और पेट में भी दिक्कत रहती है। तो यहाँ ज़रूरी है सबसे ज़्यादा कि अगर आपको इस तरह का कोई भी लक्षण दिखता है तो सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, मतलब अपने आप से कोई भी दवा नहीं लेनी। आमतौर पे लोग क्या होता है कि केमिस्ट के पास जाकर कोई भी पेन किलर या इस तरह की दवा खा लेते हैं, तो एक तो उसको अवॉइड करना है। दूसरा एक चीज़ है कि इसके लिए बहुत ही साधारण सा टेस्ट अवेलेबल होता है, जो आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और यहाँ पर कहीं पर भी जाकर आप डेंगू की जांच करवा सकते हैं और वो पहले दिन के बुखार के अंदर भी आपको पता लग जाता है। अगर डेंगू उसमें नहीं आता है तो भी आपको लापरवाह नहीं होना, क्योंकि कई बार टेस्ट के अंदर डायग्नोस नहीं होता है। आपको कोई भी ऐसे लक्षण है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप रेस्ट करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें और पानी की मात्रा ठीक से लेते रहें, लिक्विड कम नहीं करना, क्योंकि आमतौर पर ज़्यादातर जिन लोगों को प्रॉब्लम होती भी है डेंगू में, उसमें देखा जाता है कि पानी की, लिक्विड की मात्रा कम हो जाती है शरीर के अंदर, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो आप पानी लेते रहें, लिक्विड इंटेक ठीक से रखें, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे ये तो हो गई प्रॉब्लम अगर आपको हो गई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रिवेंशन पे अधिक ध्यान दें, रोकथाम के ऊपर अधिक ध्यान दें। और रोकथाम के उपाय जिस तरह से हम बार बार सेंसिटाइज करते रहते हैं, लोगों को अवेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्योंकि डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, मच्छर के काटने से होती है, तो एक तो इस चीज़ में हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि डेंगू का मच्छर जो है आमतौर पर दिन के समय में काटता है। दूसरा इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ये साफ़ सफाई के इलाके के अंदर, एरिया के अंदर ही ज़्यादा पनपता है। जैसे घरों के अंदर अगर हमारा कहीं पर भी थोड़ा पानी इकट्ठा हुआ है, कूलर के अंदर पानी इकट्ठा हुआ है, एसी की डक्ट के अंदर पानी है, पक्षियों के लिए ऊपर जो हम पानी रखते हैं उसमें पानी काफ़ी दिन से इकट्ठा है, पानी आपको चेंज करते रहना है। अगर पानी फ्लो बन रहा है तो वहाँ पर मच्छर नहीं पनपेगा, अगर पानी इकट्ठा हो रहा है कुछ समय तक तो वहाँ पर पानी मच्छर पनपने की संभावनाएं इस तरह की ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों का और छोटे बच्चों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि अभी हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें, आधी बाजू के कपड़े हम अवॉइड करें, पूरी बाजू के कपड़े पहनें। इसके अलावा जो एरिया हमारा एक्सपोज रह जाता है, जैसे ये गर्दन वाला एरिया या पैरों के नीचे वाला एरिया, तो वहाँ पे कोशिश करें आप जुराब वगैरह पहन लें या कुछ मॉस्किटो रेपेलेंट जैसे नीम ऑयल होता है वो आप लगा सकते हैं, उससे जो है मॉस्किटो बाइट से आप बचा सकते हैं। या कुछ क्रीम्स आती है ऐसी हर्बल, वो भी ऐसे वाले एरिया के अंदर आप लगा लें तो काफ़ी हद तक मॉस्किटो बाइट से आप बच सकते हैं।
पिछली बार भी डॉक्टर साहब देखा गया था, आगरा हो या आगरा का पड़ोसी जनपद फिरोजाबाद हो, तांडव था, रहस्यमयी बुखार डेंगू का तांडव था। मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक ने दौरा किया और कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो तैयारियां थी उस समय जो नाकाफी दिखाई दी, क्योंकि जागरूकता की बात जैसे आप कर रहे हैं कि पानी जमा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लेकर पहले से तैयारी होती है। और इस बार जब डेंगू की दस्तक एक बार फिर हो चुकी है, तो किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को तैयारी करनी चाहिए, जनता को अपनी जवाबदेही कैसे तय करनी चाहिए, जनता को अपनी जिम्मेदारियों का कैसे निर्वहन करना चाहिए जिससे कि इस डेंगू से बचा जा सके, क्योंकि पिछली बार भी काफी सारी संख्या में नौनिहाल इससे इफेक्टेड हुए थे। बिल्कुल, देखिए इसमें दो स्तर पे हमें काम करने की ज़रूरत है। एक तो व्यक्तिगत स्तर के ऊपर कि हमें जो ध्यान रखना है प्रिवेंशन के तौर पे, वो तो हम लोगों को ध्यान रखना ही रखना है लोगों को, क्योंकि डेंगू कोई एक नई बीमारी नहीं है, ये पुरानी बीमारी है। जैसे कोविड में देखा था तो एक नई तरह की चीज़ थी और लोग उससे अवेयर नहीं थे, तो अब इसके बारे में काफ़ी हद तक लोगों को पता है, काफ़ी हद तक लोग सीख गए हैं। तो एक तो सबसे ज़्यादा हमें बार बार यहाँ पर मीडिया का भी रोल आ जाता है और प्रशासन का भी, सबका रोल आ जाता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें इस तरह की चीज़ों के ऊपर, जैसे कि कहीं पानी इकट्ठा हुआ, ये सब इन चीज़ों का एक तो विशेष तौर पर ध्यान रखना है, व्यक्तिगत तौर पर ध्यान रखना है अपना, जो अभी हमने प्रिकॉशंस बताई, सावधानियाँ बताई। अब यहाँ पर एक और रोल आ जाता है कि अगर हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, आपके मेडिकल कॉलेजेस है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर डेंगू के लिए और अधिक हमें एक्स्ट्रा वार्ड और ये सब फैसिलिटीज़ वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए कि ताकि जब भी किसी को कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो वहाँ पे संपर्क कर सकें। टेस्टिंग की सुविधा बहुत ज़रूरी है ठीक तरीके से होना, क्योंकि कई बार जाँच में देरी हो जाती है, पकड़ में नहीं आता है। तो कई बार जो भी अभी क्या होता है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जिस समय जिस बुखार का ज़्यादा प्रिवलेंस है, जैसे हम पहले अभी डेंगू के दौरान, इसमें कोविड के दौरान हम दो साल में देख रहे थे कि सबसे पहले हम ये चेक कर रहे थे कि कहीं कोविड तो नहीं है। तो जिस समय जो बीमारी ज़्यादा फैल रही हो, फॉर एग्जांपल अगर अभी डेंगू के केसेस ज़्यादा रहते हैं, तो डेंगू की टेस्टिंग की सुविधाएँ रहे ताकि एटलीस्ट उसको चेक किया जा सके टाइम से, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी पकड़ लेंगे उतना जल्दी आप ठीक तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग पहुंचते हैं हॉस्पिटल के अंदर जब वो बहुत गंभीर अवस्था के अंदर होते हैं, जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो इसलिए टाइमली टेस्ट करना ज़रूरी है। और इसके लिए जितने भी आपके कम्युनिटी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर टेस्टिंग की सुविधा जो है आपको प्रशासन को, शासन को सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि डेंगू और रहस्यमयी बुखार का जब जिक्र आता है तो जो पेशेंट के परिजन होते हैं उनके अंदर एक डर का माहौल होता है, तो उस डर के माहौल को कैसे दूर करें? क्या ये वास्तविकता में एक डरावनी और भयानक बीमारी है? क्योंकि लगातार जो डर का माहौल है वो परिजनों के अंदर बना हुआ है, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन परिजनों को, किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए, किस तरीके से इस डेंगू से लड़ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें एक ही चीज़ हम कहना चाहेंगे, जैसा जो हम कोविड के दौरान भी बार बार कह रहे थे कि आपको डरना या पैनिक नहीं होना है, यहाँ पे सतर्क रहना ज़रूरी होता है, अलर्ट रहना ज़रूरी होता है, अपने आप को अपडेटेड रखना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आते हैं उसका आप ज़रूर पालन करें, और जो जैसा आपको अभी हमने बताया इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। दो तीन चीज़ें और है जैसा उनको मैं फिर से दोहरा देना चाहूँगा कि अपनी तरफ से कोई भी दवा ना लें, सेल्फ मेडिकेशंस ना करें, कोई भी इस समय ऐसा कोई बुखार आपको महसूस होता है तो अपने नज़दीकी जो भी आपका स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर ज़रूर संपर्क करें। हाइड्रेशन, पानी वगैरह का विशेष तौर पे ध्यान रखें, अपनी प्रोटेक्शन जितनी कर सकते हैं उतनी आप करें, जिसमें हमने बताया कि मच्छर से अपने आप को बचा के रखने के लिए फुल बाजू के कपड़े और मच्छरदानी वगैरह का, मॉस्किटो रेपेलेंट, इस तरह की क्रीम्स वगैरह का, इस तरह का इस्तेमाल करें। डरना या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी गंभीर बीमारी नहीं है। कई बार हम लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं तब ये मामला गंभीर हो जाता है। धन्यवाद आपसे बात करने के। सर ये थे हमारे साथ भारत 24 पर चिकित्सा के क्षेत्र में जाना माना नाम डॉक्टर समीर भाटी जी, जिन्हें आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि डरना नहीं है डेंगू रहस्यमयी बुखार से, डरना नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सीधे तौर पर प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। जिस तरीके से जल भराव, कूलर में पानी हो या अन्य स्थल पर घर के अंदर साफ स्वच्छ जगह पर जल भराव है उनसे हमको बचना है, और कहीं ना कहीं पूरी बाजू के कपड़े पहनने हैं और वहीं प्राथमिक उपचार हमें डॉक्टर की सलाह पर लेना है। किसी भी मेडिकल स्टोर से किसी भी प्रकार की दवा को खरीद कर नहीं सेवन करना है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से रहस्यमयी बुखार और डेंगू का जो तांडव है
वो पिछले वर्ष देखा गया था और एक बार फिर दस्तक है, तो उससे बचने के लिए हमें चाहिए जागरूक होने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं उस जागरूकता का साफ संदेश देते हुए डॉक्टर समीर भाटी भारत 24 पर नज़र आए हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए आगरा से एक विशेष संवाद।